नमस्कार, मैं किशोर कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू, सहायक आचार्य हिंदी। आज अपन बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी पे। जैसा कि भक्ति काल के अंदर हमें दो शाखाएं प्राप्त होती हैं, सगुण और निर्गुण। निर्गुण शाखा में भी हमें दो शाखाएं प्राप्त होती हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरा प्रेम मार्गी। ऐसे कवि जो ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, वो जो संत कवि थे वो ज्ञान मार्गी कहलाए। एक ऐसा पंथ था, एक ऐसा वर्ग था जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना चाहता था, जिसको हम सूफी कहते हैं, वो प्रेम मार्गी कहलाए। उन्हीं प्रेम मार्गी कवियों में या सूफी कवियों में जायसी का नाम प्रमुख लिया जाता है। जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के समकालीन भारत में हुए थे। जायसी ने तीन साहित्य की रचनाएं की थी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत उनका एक बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। कहते हैं एक बार जायसी जो है वो शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए थे, क्योंकि जायसी जो थे वो शारीरिक रूप से ज़्यादा सुंदर नहीं थे। उनके चेहरे पे चेचक के दाग थे तथा उनकी एक आंख जो थी वो भी थोड़ा डिफेक्ट थी। ऐसी स्थिति में कहते हैं शेरशाह सूरी के दरबारी और स्वयं शेरशाह सूरी जो थे वो उनको देखकर हंसने लग गए थे। तो जायसी ने उनसे पूछा कि आप मुझ पे हंस रहे हो या मेरे चाहने वाले पे या मुझे बनाने वाले पे। तो कहते हैं इस बात को सुनकर शेरशाह सूरी बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो उनके समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो भारत में हुए थे। इनकी मुख्य जो रचना है पद्मावत, बहुत ही सुंदर महाकाव्य है और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को पाने की जो चेष्टा थी, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, एक ज्वलंत उदाहरण जो था वो पद्मावत के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। चित्तौड़ की महारानी जो थी पद्मावती और चित्तौड़ के जो राजा थे रतनसेन, उन दोनों को प्रत्यक्ष में रखकर इन्होंने अप्रत्यक्ष उस परमात्मा की कल्पना की थी, यानी कि पद्मिनी जो थी उसको उन्होंने परमात्मा, रतनसेन को आत्मा और जो हीरामन तोता था उस तोते को इन्होंने गुरु की संज्ञा दी थी। और इन दोनों के मिलने में जो बाधा पैदा कर रहे थे, जो माया रूप था, उस माया रूप में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को रखा था। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष को पाने की जो चेष्टा थी, यानी कि आत्मा द्वारा ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए रतन सेन जो है वो आत्मा का प्रतीक है और वो पद्मनी को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। प्रेरणा किसकी है? हीरामन तोते की। जिस प्रकार गुरु से प्रेरणा पाकर आत्मा जो है वो उस परमात्मा में तल्लीन होना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, ठीक वैसे ही रतन सेन जो है वो हीरामन से प्रेरित होकर उस पद्मनी को प्राप्त करना चाहते हैं। अब इन दोनों के मध्य में जो बाधाएं आती हैं, जो मायावी स्थिति आती है, जो आत्मा को आप परमात्मा से विमुख करती है, जो माया मोह लालच आदि जो होते हैं, उसकी संज्ञा जायसी ने दी है अलाउद्दीन खिलजी को, जो इन दोनों के मिलन में बाधक बनता है। इस प्रकार प्रेम से, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, और मतलब प्रत्यक्ष को सामने रखकर जायसी ने अप्रत्यक्ष की परिकल्पना प्राप्त किया, यानी कि लौकिक से अलौकिक को प्राप्त करने की परिकल्पना हमें जायसी के पद्मावत में दिखाई देती है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आत्मा ईश्वर को पाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करती है, यत्न करती है, साधना करती है और मनन करती है, चिंतन करती है, ठीक वैसा ही वातावरण देखिए प्रकृति के रूप में जायसी ने पद्मावत में डाला है। उसमें बारह मास और ऋतु वर्णन का चित्रण किया गया है, मानसरोवर चित्रण किया गया है। तो ये ऐसे मापदंड हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलने में सहायक सार्थक होते हैं। तो इस प्रकार पद्मावत जो है वो हिंदी जगत में या भक्ति काल में एक मील का पत्थर साबित होता है। सूफी साहित्य में इसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। एक चीज़ और है, देखिए सूफी जो कवि थे ये आडंबरों और पाखंड की दुनिया से परे थे, ये मानवतावादी दृष्टेता थे। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच, जात पात आदि आदि का विरोध किया, और विरोध हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि जायसी स्वयं जो थे वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने
हिंदू राजघराने के जो नायक और नायिका थे, पद्मिनी और राजा रतनसेन जो थे, उनको अपने साहित्य में स्थान दिया। तो हम मान सकते हैं कि ये जो सूफी कवि जो थे वो मानवतावादी मापदंड जो था उसको लेकर चल रहे थे। इनमें किसी प्रकार का विभेद, किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी प्रकार की जाति प्रथा आदि का जो विरोध है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार ये जयश्री पे मेरा छोटा सा ये एक लेख जो आपको प्रेषित है। थैंक यू।